हेलो जी एंड वेलकम टू जेके किचन। आज मैं आपके साथ ऑमलेट चीज सैंडविच की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने दो अंडे लिए हुए हैं। पहले हम इसे तोड़ के बाउल में डाल लेते हैं और ये बहुत ही जल्दी बनने वाला एक ब्रेकफास्ट है। कभी जल्दी हो तो आप फटाफट ये सैंडविच बना सकते हैं। तो दो देखिए, ये मैंने अंडे ले लिए हुए हैं, इसे पहले हम फेंट लेते हैं। इसके साथ ही देखिए, मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च काट के ली हुई है। इसके साथ ही हम थोड़ा सा टमाटर को ऐड कर लेते हैं। आप चाहें तो इसमें आप शिमला मिर्च भी काट सकते हैं। टमाटर के बीच काट के फिर आप उसको छोटा छोटा काट के इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा सा आप धनिया डालें, फ्रेश धनिया, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। और थोड़ा सा प्याज काट के इसमें डाल लें। अब इसमें हम नमक डाल लेते हैं। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल दें। थोड़ी सी लाल मिर्च, ये ऑप्शनल, अगर आपको पसंद है तो आप डालें वरना ना डालें। थोड़ा सा गरम मसाला। और अब हम इसे पहले अच्छे से फेंट लेते हैं। जितना हम इस अंडे को फेंटेंगे उतना ये फ्लफी हमारा ये ऑमलेट बनेगा। पैन में मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया हुआ है। अब हम पहले इसका ये सारा बैटर हम इसमें डाल देते हैं और हम पहले इसका एक ऑमलेट बना लेते हैं। ये अंडे का बैटर हमने इसमें सारा डाल दिया है, तो ऐसे फैला लें पहले इसे अच्छे से पूरा, क्योंकि हमने इसका एक ऑमलेट ही बनाना है अभी। जैसे ये हमारी नीचे वाली साइड पक चुकी है अच्छे से। अब देखिए इसे हम क्या करते हैं, सेंटर में से हम इसके पीसीस काट लेते हैं पहले, तो इजीली फिर ये टर्न हो जाएगा। ये देखें ऐसे, तो अब हमें दूसरी साइड भी पका लेते हैं अच्छे से। अब सेंटर में से ऐसे हम ये हमने इसके कट लगा दिए हुए हैं और ये हमारा ऑमलेट बन के एकदम से रेडी हो गया है। मैंने ग्रिल पैन ले लिया हुआ है, हम इसमें इसे थोड़ा सा ऑयल या घी लगा के ग्रीस कर लें। तब तक हमारा ये गर्म होता है तो हम सैंडविच की फिलिंग कर लेते हैं। ये देखिए मैंने ब्रेड ले ली हुई है, तो पहले हम जो हमने ऑमलेट बनाया था उसे रख लेते हैं। एक साइड हमने ऑमलेट को रख लिया है, दूसरी साइड हम इस पर थोड़ा सा केचप लगा लेते हैं। केचप आपको पसंद है तो आप लगाएं वरना ना लगाएं। और केचप, हाँ, ध्यान रखना कि बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके लगाना, क्योंकि क्या होता है कि इसे ब्रेड बहुत सॉगी हो जाएगी। तो हल्का हल्का बस थोड़ा सा टेस्ट के लिए आप इस पर लगा लें। और ये हमने केचप भी लगा लिया। अब हम इसके ऊपर एक एक चीज़ स्लाइस को रखते हैं। ये हमने चीज़ स्लाइस भी रख ली और अब हम इसके ऊपर इसे रख के इसे दबा के रख लेते हैं।
आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन टोस्ट करने से इसका थोड़ा टेस्ट ज़्यादा हो जाता है। तो अब हम इसे टोस्ट कर लेते हैं थोड़ा अच्छे से। ये देखें कलर कितना अच्छा आ गया है। अभी थोड़ा सा हम इसे और कर लेते हैं, थोड़ा सा हमारा जो चीज़ है वो भी थोड़ा सा अंदर मेल्ट हो जाएगा। और ये हमारा है, और ये हमारे चीज़ ऑमलेट सैंडविच बनके एकदम से रेडी हो गए हैं। अब इसे हम गरम गरम सर्व कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे जूस के साथ, चाय के साथ, जैसे आपको पसंद है आप इसे खा सकते हैं। और ये बहुत ही यमी ब्रेकफास्ट बनके रेडी हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मिलती हूँ मैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं आपको मेरी ये ब्रेकफास्ट की रेसिपी कैसी लगी।